हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में भी हम एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, क्वेश्चन हमेशा की तरह मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिया है। दोस्तों, क्वेश्चन है, इफ़ ए फॉस्फोरस लिमिटेड लेक हैविंग सरफेस एरिया इक्वल टू 80 × 10⁶ मीटर स्क्वायर इज फेड बाई स्ट्रीम विद फ्लो रेट 20 m³/s दैट हैज़ फॉस्फोरस कॉन्सनट्रेशन ऑफ 0.01 mg/L, देन द फॉस्फोरस लोडिंग फ्रॉम द इनकमिंग स्ट्रीम इज। दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन हमें लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो स्ट्रीम है, जो आपकी एक लेक में गिरती है, वो कितना फॉस्फोरस लोडिंग कर रही है लेक में, ये जस्ट हमें इतना बताना है। इन्होंने लेक का एरिया दिया हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। एरिया कितना भी हो, हमें वो नहीं देखना है। हमें क्वेश्चन में सिंपली एक ही चीज़ पूछी है कि भाई एक लेक है, इसका एरिया एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, उसमें एक स्ट्रीम गिरती है, उस स्ट्रीम में एक एक्स वाई जेड कंसंट्रेशन है फॉस्फोरस की, तो वो स्ट्रीम कितना फॉस्फोरस उसमें लोड कर रही है, जस्ट हमें इतना बताना है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो आप विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कैसे? सिंपली हमें फ्लो रेट पता है 20 m³/s और स्ट्रीम में कितना आप फॉस्फोरस है ये पता है, तो 20 × 0.01 mg/L उसमें फॉस्फोरस है। हमसे जो क्वेश्चन में यूनिट पूछी गई है वो mg में नहीं है, वो ग्राम में है, इसीलिए हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो सिंपली 20 × 0.01 आपका आंसर आएगा 0.2 g/s, यानी कि जो स्ट्रीम है वो 0.2 g/s फॉस्फोरस लेक में लोड कर रही है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था। आपने क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसमें वही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं जो हम मास बैलेंस वाले क्वेश्चन में करते हैं। हमने वैसे बहुत सारा क्वेश्चन किया है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वो बार बार रिपीट होता है, बट वो उस क्वेश्चन में हमें डाउन स्ट्रीम साइड में कंसंट्रेशन पूछी जाती है। बट यहाँ पे सिंपली एक लेक है, उस लेक में एक स्ट्रीम गिरती है, उस स्ट्रीम में फॉस्फोरस है, हमें जस्ट इतना बताना है कि कितना फॉस्फोरस लोड कर रही है वो स्ट्रीम। तो इसके लिए हमें दो ही चीज़ चाहिए। पहली चीज़ चाहिए कि फ्लोरेट कितना है, और दूसरी चीज़ ये चाहिए कि उसमें कितना आपका फॉस्फोरस या कोई भी पोलूटेंट है। तो सिंपली हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कंसंट्रेशन मिल जाएगी कि कितना पोलूटेंट जो है वो स्ट्रीम लेक में लोड कर रही है। फिर रही बात यूनिट की, तो फिर हमें यूनिट कन्वर्जन तो आता ही है, सभी लोगों को बहुत ही आसान है। हमने इसमें mg में दिया है, बट जो हमसे पूछा गया है वो ग्राम में पूछा गया है, तो हमने सिंपली इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में। तो यहाँ तक मुझे ये लगता है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो आप उसे 100% सही करेंगे। दोस्तों, फिर भी अगर कोई डाउट है आपको मेरे इस क्वेश्चन पे या किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी लेक्चर पे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली हम डिस्कशन करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन दूँ। दोस्तों, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।